अनिरुद्ध क्यों कर रहे हैं झनक की फिक्र? क्या घर वालों के सामने अनिरुद्ध देंगे झनक का साथ? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा झनक की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, लेकिन झनक घर से भाग जाती है और बस स्टॉप पर जाकर बस का वेट करती है। तभी अनिरुद्ध भी बस स्टॉप पर आते हैं और झनक को ज़बरदस्ती घर ले जाते हैं। जब घर वाले ये देखते हैं कि अनिरुद्ध और झनक साथ में हैं तो उनको काफ़ी शक होता है और वो अनिरुद्ध से पूछते हैं कि तुम बस स्टॉप पर क्या कर रहे थे। तभी अनिरुद्ध उन्हें मुँह तोड़ जवाब देते हुए सारी सच्चाई बता देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको टीवी सीरियल झनक के सेट की कुछ झलकियाँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है। हाँ तो मीटिंग से ही आ रहा हूँ ना। मीटिंग तो मेरी भी थी आज दादा, वो बुक्स का ना बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इतना सारा सामान था तो सोचा अकेले कैसे करूँगा, इसलिए जनक को भी साथ ले गया। तुम्हें समझ में आता है हम सब इस घर में इतने परेशान थे, तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि जनक कहाँ था और तुम उसको बिना बताए ले गए। अनी, जनक और मैं बुक की डिलीवरी करके आ रहे थे तो अनी की गाड़ी दिखी, हमने लिफ्ट ली और आ गए। अच्छा, जब बुक्स ही डिलीवर करनी थी तो झनक अपना बैग लेकर क्यों गई थी यहाँ से? बैग? हाँ, वो तुम्हारे घर जाने का प्लान कर रही थी ना, इसीलिए लगेज लेके। झूठ! डॉले क्रैश! सर जी फिर से झूठ बोल रहे हैं। और वहां पे शुभोदी कहते हैं देखो तुम्हारी कोई नौटंकी नहीं चाहिए, बोलो जो है साफ साफ बताओ ये लड़की बैग लेके क्यों गई थी। अनी तुम इसे कहाँ मिली? हमें सब कुछ सच जानना है। जो पूछना है प्यार से पूछिए, ऊंची आवाज करके बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वही कहा जो आपने सुना, मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आई हूं घर, बल्कि मुझे लाया गया है जोर जबरदस्ती से। मैं हमेशा हमेशा के लिए तेजस के पास जाने लगी थी, तभी अचानक से बीच में छोटोन मुझे मिले और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे काबू में नहीं था। मैंने लाख कोशिशें की कि मैं श्रीनगर वापस चली जाऊं, घर पे किसी को बिना बताए इसलिए गई क्योंकि 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 मैं आप सब खास करके सर जी को मुसीबत में ही डालना चाहती थी। मुसीबत तो उसी दिन आकर खड़ी हो गई थी झनक, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था। अर्शी दीदी जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लगा था सर जी सुनेंगे, मेरी बात मानेंगे। इतनी बार कहा मुझे बस ट्रेन में बिठा दीजिए, लेकिन नहीं सुनी। अगर इतने पैसे उतना तो मैं खुद ट्रेन में बैठ जाती। दादी कहती अरे बेटा हम भी तो है ना, हमें बोल देते कोई भी तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज देता, पैसे दे देता। दादी आप मुझे यहाँ लेकर नहीं आई थी तो कैसे मांगती आपसे मदद? सर जी से बोला, कहा मैंने कि मुझे वापस जाना है, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं, लेकिन इन्होंने इन्होंने एक नहीं सुनी मेरी, बस अपनी मनमानी करते गए। लेकिन इन्होंने इन्होंने एक नहीं सुनी मेरी, बस अपनी मनमानी करते गए। मैं क्या चाहती हूँ इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर मुझे एक ही रास्ता दिखा, उसे मैंने चुन लिया, लेकिन वहां पे भी सरेआम पुलिस को इन्वॉल्व किया और सड़क पे तमाशा किया गया। फिर उसके बाद मुझे यहां ले आए, लेकिन अब और नहीं, और झूठ नहीं सर जी मुझसे नहीं होगा। ये आपका परिवार है, मेरा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
अपो, ये रोना धोना बंद करो और चुप हो जाओ। और अनी, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, बोलो। हाँ अनी, आज फाइनल कर ही देते हैं। तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्यों लेकर आए जनक को यहाँ दोबारा? छोटा ने जनक को बस स्टॉप पे देखा इस बैग के साथ। ये होटल जा रही थी अपने गांव वाले से मिलने। छोटा ने मुझे फोन किया और मुझे सब कुछ बता दिया। मैं अच्छे से जानता था कि जनक यहाँ नहीं रहना चाहती है, तो मेरे लिए समझना इतना मुश्किल नहीं था कि ये बस स्टॉप पे क्या कर रही थी। बाबा, ये सब तेजस की चाल थी। वो इसे कश्मीर वापस ले जाना चाहता था और मुझे अच्छे से पता है वो इसका वहाँ पे क्या हाल करता। इसलिए मैंने जनक को रोका और यही है पूरी कहानी। जनक मैरिड है नहीं, उसका पति इसकी फिक्र करेगा, तुम इसके लिए तकलीफ क्यों उठा रहे हो? हर्षित, तुम्हें क्या लगता है तेजस जनक को उसके पति के पास रहने देता? अरे वो इसका इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा करके इसे मार डालता। और तुम इतनी श्योरिटी के साथ ये सब कैसे कह सकते हो? 2 दिन में तुमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। तुमने ये भी जान गए कि तेजस के मन में क्या चल रहा है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तेजस कैसा है, उसकी फितरत कैसी है। अरे वरना मैं इसे कश्मीर से यहाँ भगा के अपने घर क्यों लेके आता? मुझे और पुलिस का क्या? मैंने बुलाया था और पुलिस वहां थी, इसलिए तेजस चुप था और मैं जनक को वापस ला पाया। देखिए, अगर आप सबको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, सो आई एम रियली सॉरी। लेकिन जनक बहुत मुश्किल में थी और मैं कोई कायर नहीं हूं कि मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहूं। जनक अपनी मर्जी से गई थी, यानी उसे किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो अशी, अगर कोई अपनी मर्जी से जानबूझ के आग में कूदे तो मेरी ड्यूटी उसे बचाना, ना कि उसे मरते हुए देखना। मुझे कहते हैं कितने दिन चलेगा बेटा? जब तक जनक सेफ नहीं हो जाती। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? माँ, आप क्यों नहीं समझ रही है, ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अच्छा, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा मदद करना नॉर्मल नहीं है एक पराई लड़की को। ये काम इसके पति का, उसकी सरदर्द। तुम एक काम करो, इसके पति को यहाँ पे बुला। नहीं, वो नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? इसका पति है ना, वो इतना नहीं कर सकता अपनी पत्नी के लिए। अशी, वो खुद मजबूर है, वो बेचारा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यासे लाल कहता है कमाल है भाई, कमाल। पति बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि उसे तेजस से खतरा, और यहाँ पे पत्नी को इतना प्यार है कि उसके सामने जाके सरेंडर कर रही है। जनक जैसी है बिल्कुल ठीक है, आपकी कमेंट्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनी, और आप नहीं जाता, पूरी सिचुएशन आपको पता नहीं है, सो बेटर यही होगा कि आप कुछ ना कहें। विपाशा यहाँ से कहती है तो तुम समझा दो ना अनी, सिचुएशन है क्या? इसका पति यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जैसे वो अपने बिल से बाहर निकलेगा, तेजस उसे मार डाले और ये तेजस के साथ ही जाने को रेडी होगी। क्यों? अरे कोई तो रीजन होगा। यहाँ से शुभ जी कहते हैं हमारा घर है, कोई भी सड़क से तुम लड़की उठा के यहाँ पे नहीं ला सकते, धर्मशाला नहीं है ये। कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे पता है आप लोग मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन अर्शी तुम बताओ, मैंने कुछ गलत किया? अर्शी, कम ऑन, आंसर भी। अगर मैं चुप रहता, जनक को जाने देता, जनक के साथ जो हो रहा था होने देता, तो तुम मुझे रेस्पेक्ट करती, इतना ही प्यार करती, तुम्हें मुझसे गिन नहीं आती? आंसर मी। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें जनक, ये सारा ड्रामा खड़ा करके। एक बार फिर अब सारा अटेंशन तुम पर है, ये सारा झगड़ा, सारा डिस्कशन तुम्हारे पीछे हो रहा है। गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट। और रही बात तुम्हारे जवाब की, तो एक बात बताओ, तुमने जनक को तेजस से तो बचा लिया, क्या खुद को बचा पाओगे? अपनी फैमिली को बचा पाओगे तेजस के गुस्से से? हाँ, रेडियो तुम उससे लड़ने के लिए? इतने बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ली है तुमने, तुमने एक बात भी नहीं सोचा अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में? अशी, मुझे पता है मैं क्या कर। हाँ, मैंने माना तेजस पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो हाँ, मैं लड़ूंगा। लो, तुम्हें, अपनी फैमिली को, जनक को, सबको प्रोटेक्ट करूंगा मैं। जो डरता नहीं हूं उससे। एनीवे, मुझे पता था आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए छोटौन और मैंने, छोटौन ने ये बुक्स डिलीवर करने की कहानी बनाई, और छोटौन और मेरी दोनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, रियली सॉरी। एंड आई होप आप सबको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और तुम, हाँ तुम भी अपने आगे के प्लान्स बता दो जनक, नहीं ताकि हम सब प्रिपेयर्ड रहे। वो क्या है ना कि रोज रोज के
शौक मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है हम सबके लिए। मुश्किल तो मेरे लिए भी हो रहा है ना अर्शी दीदी, इस घर में रहना, इस मोहल्ल में दम घुटता है मेरा। ये बात आपको समझनी चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब क्यों होने वाले पति मुझे यहाँ पर लेके आए ना, और उन्हीं की वजह से मैं वापस नहीं जा पा रही हूँ। आपकी सोच पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कैसी हूँ ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और जना कैसी लड़की नहीं है जो दूसरी लड़की के मंगेतर पे नजर डाले। आपकी इनसिक्योरिटीज ना आपकी प्रॉब्लम है अर्शदी दी, मेरी नहीं। आपको जो पूछना है सर जी से पूछिए, और आइंदा से मेरा और सर जी का नाम एक साथ मत मिलाइएगा, क्योंकि मुझे सर जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे सर जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि टीवी सीरियल झनक के सेट पर इन दिनों काफ़ी कश्मकश का माहौल है और आगे काफ़ी ट्विस्ट देखना भी बाकी है। तो हमारे साथ अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।